तो दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग अभी मौज फोर क्रिएटर्स एकेडमी के बारे में बहुत सुना होगा। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं कि मौज फोर क्रिएटर्स एकेडमी क्या है एंड कैसे ये काम करता है। तो यार, आज हम पूरा वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी एंड यहाँ पर मौज एप्लीकेशन का ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम है उस पर आकर मैंने देखा तो सब कुछ अलग अलग बताया गया है। ठीक है, तो आज मैं आपको बिल्कुल सटीक और सही जानकारी देने वाला हूँ कि दोनों में क्या अंतर है, क्या सब कुछ सही है, मौज फॉर क्रिएटर एकेडमी क्या है एंड क्या इससे हमारा कुछ फ़ायदा हो सकता है या फिर नहीं। तो यार, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यार अपना आप भाई का नाम जान लो। आप मैं हूँ आर्यन, आप देख रहे हो टेक बॉय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो यार फटाक से सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। एंड अभी हम बात करते हैं कि ये कौन सा इवेंट है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं अपने इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर आने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर मौज इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मौज इंडिया यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सेकेंड नंबर में, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इंट्रोड्यूसिंग मौज फॉर क्रिएटर एकेडमी दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर सून एंड गेट क्रिएटिव फाइड। तो मतलब कि इसका मतलब क्या हो, यहाँ पर ये पहले भी वीडियोस काफ़ी सारे आए थे। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो मौज स्टूडियो इंदौर वगैरह, यहाँ पर आप देखो सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था मौज स्टूडियो लॉन्चिंग इन इंदौर। ठीक है, यहाँ पर मैं अब आपको दिखाता हूँ हाउ मच डू यू नो अबाउट इंडिया, लर्न अबाउट इंडिया। ये तो आपका ये हो गया जो इवेंट्स आए थे, ये वाला आप समझो यहाँ पर ये क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखो लॉन्चिंग इन इंदौर, मतलब कि इनका एक स्टूडियो होगा, अगर आपके शहर में भी ऐसा स्टूडियो आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर मौज फॉर क्रिएटर एकेडमी क्या करने वाला है, काफ़ी सारे क्रिएटर्स को यहाँ पर एक साथ जोड़ने वाला है। ठीक है, अभी तो ये मौज फॉर क्रिएटर्स का हम लोग का प्रॉब्लम पूरा ख़त्म नहीं हुआ और इसके साथ ये नया इवेंट लेकर आ चुका है, तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर स्टोरी में यहाँ पर अगर आप इंस्टाग्राम के दो दिन पहले अगर आप इनका स्टोरी देखते तो वहाँ पर इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो समथिंग न्यू इज़ ब्रिंग, लर्न एट द टिप ऑफ योर फिंगर्स हाउ वेयर स्टे ट्यून्ड, मतलब कि कैसे और कहाँ पे ये मौज फॉर क्रिएटर एकेडमी खुलेगा ये कुछ दिनों के बाद हमें बताया जाएगा। एंड सारा चीज़ यह जैसे ही मौज एप्लीकेशन बताता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर अगर आप आसान भाषा में समझो कि क्या है ये मौज फॉर क्रिएटर एकेडमी, तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये एक एकेडमी है। एकेडमी से आप समझ सकते हो जैसे क्लास वगैरह होता है वैसा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके बहुत सारे क्रिएटर्स आएंगे एंड यहाँ पर वो वीडियोस बनाएंगे या फिर नए नए क्रिएटर्स को लाया जाएगा एंड वो मौज एप्लीकेशन पर जुड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर मौज फॉर क्रिएटर एकेडमी एक यहाँ पर शुरू किया जाएगा। तो जैसे ही मौज फॉर क्रिएटर एकेडमी शुरू किया जाएगा, इसमें नए नए मेंबर्स जुड़ते जाएंगे एंड मौज एप्लीकेशन का यहाँ पे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं वो बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर दो तीन, अगर यहाँ पर मान के चलो इन्फ्लुएंसर एक साथ मिलते हैं तो दोनों तीन, जैसे कि दो इन्फ्लुएंसर मिले तो उन दोनों के फ़ैन फॉलोइंग मिलकर एक हो जाएंगे, तो यहाँ मौज एप्लीकेशन के व्यूवर्स बढ़ेंगे एंड मौज एप्लीकेशन का ज़्यादा नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप अपने शहर में, आपके शहर में भी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। यहाँ पर मैंने जिससे आपको दिखाया कि मौज स्टूडियो लॉन्चिंग इन इंदौर, इसी तरीके से बड़े बड़े शहरों में ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये बड़े बड़े शहरों में खोला जाएगा। ठीक है, तो अभी तक यही जानकारी पता चली है एंड यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा कुछ हमें नहीं बताया गया है। समथिंग न्यू इज़ ब्रिंग, लर्न एट द टिप ऑफ योर फिंगर्स, यही हमें बताया गया है कि ये मौज फॉर क्रिएटर एकेडमी जल्द आने वाला है। ठीक है, तो यार आज के वीडियो के लिए बस इतना ही एंड आप इसका वेट कर सकते हो। इसमें अभी तक बताया नहीं गया है कि ये कब तक आएगा, तो जैसे ही इसमें बताया जाता है कि ये कब आएगा उसके साथ मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। एंड आप इस वीडियो पर क्लिक किए हो तो यार यहाँ तक देख लिया वीडियो आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो अगर चैनल पर नए हो तो। एंड मिलता हूँ ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।